Question number 41. Question statement reads, an engine pumps 373 kg of water up to height 16 meter in 40 seconds. Rated power of the engine, if its efficiency 80% is. ये इंजन का एफिशिएंसी 80% दे रखा है, उसका रेटेड पावर पूछा है हमें, तो लेट द रेटेड पावर इज पी एंड 80% ऑफ इट्स पावर इज यूज्ड बाय अस बिकॉज इट्स एफिशिएंसी इज 80%, सो पी इनटू 0.8 दिस द यूजफुल पावर, सो यूजफुल पावर जो है दैट इज रेटेड पावर इनटू द एफिशिएंसी दैट इज 0.8 दैट इज इक्वल टू, कैसे मैंने यूज किया इसको, 373 केजी ऑफ वाटर अप टू हाइट 16 मीटर, हाइट रेंज क्या उसने एच, सो वर्क डन हो गया एमजीएच डिवाइडेड बाय टाइम इज द पावर, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो पी इज इक्वल टू एम, एम इज हाउ मच 373 मल्टीप्लाई बाय जी, जी इज 10, एच 16 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 40 सेकेंड्स एंड डिवाइडेड बाय 0.8 This is the actual power of the engine. So this result is in what? We have to divide it by 746. If you divide and calculate, then it is 2.5 horsepower. So correct option is option number 3. Question number 42. Question statement reads, a uniform circular disc of radius r वेट 90 न्यूटन, तो वेट 90 न्यूटन तो मास लिख दूं मैं, एम इज इक्वल टू 9 केजी। आज शोन इन फिगर, ए स्मॉलर सर्कुलर पर्सन इज कट आउट, ए स्मॉलर पर्सन कट कर लिया मैंने, द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू सेंटर मास विल बी, तो जहां पे कट आउट की बात होती है इसका मतलब वो मास माइनस हो गया, नेगेटिव मास की कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, तो यहां पे जो नेगेटिव मास है जो कट आउट हो गया उसका मास क्या हो गया, उसका मास है तुम्हारा रिमेनिंग वेट 65 न्यूटन है, और रिमेनिंग वेट 65 न्यूटन है, ओरिजिनल वेट 90 न्यूटन है, तो कितना कट आउट हो गया, तो ये जो नेगेटिव मास है जो मास कट आउट हो गया वो हो गया आपका 9 माइनस 6.5 केजी दैट इज 2.5 केजी एंड व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल मास जो था 90 न्यूटन वाला 9 केजी, लुक एट द एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, एंड जो नेगेटिव मास है जो मास मैंने कट कर लिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो दैट इज जीरो, स्मॉल एक्स इज जीरो, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन दैट इज 3r/5, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, सो एक्ससीएम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज एमएक्स माइनस स्मॉल एमएक्स, ये नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, अगर मास ऐड होता है तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, मास सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, एम एक्स इज जीरो, स्मॉल एम एक्स इज ऑल्सो जीरो, डिवाइडेड बाय एम माइनस एम दैट इज योर 6.5 रिमेनिंग, सो दैट इज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, नाउ लुक एट द वाई कोऑर्डिनेट, वाई सी एम इज इक्वल टू एम वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम माइनस एम, what is capital M into capital Y, that is 0, minus what is small m into Y, that is 2.5 into 3r/5 divided by M minus M, the remaining mass, that is 6.5, rearrange and calculate, and this is coming out to be minus 3r/13, so correct option is option number 4. Question number 43, question statement reads, a bomb is projected with a speed 10 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. In the mid-air, bomb explode in different fragments and they all move in different directions. At the time when the all fragments reach at the ground, the displacement of the center mass of the bomb from the initial position will be, and you know it well, during explosion the force involved is purely internal, and if the force is purely internal then it will not affect the original path of the center of mass. The center of mass ka path pehle parabola tha because it is a projectile,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम जानते हो जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तुम लोगों को, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास मीन्स दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपने यहां से प्रोजेक्ट किया उसको 10 मीटर पर सेकेंड पे और 30 डिग्री पे, ये उसका ओरिजिनल इंटेंडेड पैराबोलिक पाथ है। अगर रास्ते में एक्सप्लोजन हो गया तो फ्रैगमेंट्स किधर भी जाएं, बट द फोर्स इन्वॉल्व इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो सेंट्रो मास का पाथ है, वो सेम पैराबोला रहेगा अनचेंज्ड। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द रेंज। तो आपको इनडायरेक्टली रेंज ही कैलकुलेट करने को पूछा है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू इज 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, साइन 2 थीटा, 2 थीटा इज 60, डिवाइडेड जी इज 10, रीअरेंज कर लो, कैलकुलेट करो, 5√3 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg हैव पोजीशन 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर एंड 3 मीटर, 2 मीटर, -1 मीटर रेस्पेक्टिवली। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास RCM इज डिफाइंड टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड यू आर डूइंग द वेक्टर एडिशन हियर। एंड व्हेन द वेक्टर्स आर गिवेन इन कंपोनेंट फॉर्म इन द रिजल्टेंट, एक्स कंपोनेंट हैव द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, वाई कंपोनेंट इज द सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, एंड जेड कंपोनेंट इज द सम ऑफ जेड कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। सो यू कैन यूज इट हियर। सो दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 जे कैप प्लस m1 z1 प्लस m2 z2 के कैप डिवाइडेड बाई द टोटल मास m1 प्लस m2। एक्स कंपोनेंट इज सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट इज सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स, जेड कंपोनेंट इज सम ऑफ जेड कंपोनेंट्स। और वैल्यू डालो, m1 इज 2 kg, x1 इज 1 सो 2 प्लस m2 x2, m2 इज 5 kg, x2 इज 3 सो 5 3 जा 15 आई कैप प्लस m1 y1, m1 इज 2 kg, y इज 2, 2 2 जा 4 प्लस m2 y2, m2 इज 5 kg, y2 इज 2 मीटर सो 5 2 जा 10 जे कैप प्लस m1 2 kg, z1 इज 1 2, m2 z2 5, z2 इज -1 सो दैट इज -5 के कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 7 सो दिस इज 17 आई कैप प्लस 14 जे कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाई 7 सो इफ आई डिवाइड दैट इज 17/7 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3/7 के कैप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 4 kg, दोनों 4 kg हैं, कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग व्हिच इज पासिंग ओवर आइडियल पुली एज शोन इन फिगर। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रो मास इज, एंड व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम पूछा जाता है तो यू नो इट वेल, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास SCM इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेट आई कंसीडर दिस इज m1 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज a1, एंड लुक दिस 4 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली बिकॉज दिस 4 kg इज मूविंग डाउन, सो डेफिनेटली इट इज टुवर्ड्स राइट, सो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा। एंड लुक एट m2, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, बट बोथ आर कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग सो यू नो इट वेल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ आर इक्वल। ये कॉन्स्टेंट मोशन में आप लोग पढ़े हो क्लियरली। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इफ दिस सरफेस इज स्मूथ एंड द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली 4g दैट इज 14 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स ए इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स दैट इज 14 न्यूटन। ये सिस्टम में तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है 4g वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, सो ड्राइविंग इज 40 माइनस नो अपोजिंग फोर्स एट ऑल
इन द अपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल मास. टोटल मास इज योर 4 प्लस 4 दैट इज 8, सो दैट इज 40 न्यूटन बाय 8 केजी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड इज 5. ओके, सो व्हाट इज एक्सीलरेशन a1 नाउ? a1 इज इक्वल टू योर 5 आई कैप. बट व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ a2? a2 इज इक्वल टू -5 जे कैप डाउनवर्ड. सो इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन हियर, acceleration of center of mass is equal to m1 a1, m1 is your 4 and a1 is 5 I cap, so that is 20 I cap, plus m2 a2, m2 is 4, a2 is minus 5, that is minus 20 j cap, divided m1 plus m2, that is 8. If you divide, this is coming out to be 2.5 I cap minus 2.5 j cap. So correct option is option number 4. Thank you so much for joining today. See you in the next discussion. Till then, bye.